जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। अगर आप रॉयल एनफील्ड की कोई बाइक लेने के लिए सोच रहे हैं, अगर सोच रहे हैं कि भाई कोई सी बाइक ले लूँ रॉयल एनफील्ड की, क्योंकि इस समय काफ़ी सारे लोग जो हैं उनके दिल में बसी हुई है रॉयल एनफील्ड कोई ना कोई बाइक, या कह लो 350 सीसी की कोई बड़ी बाइक, तो आपके माइंड में एक चीज़ ज़रूर आती होगी कि किस बाइक की बढ़िया डिमांड है, कि अगर हम इसको फ्यूचर में कुछ समय चलाने के बाद अगर बेचना चाहें तो क्या इसकी रिसेल वैल्यू हमें बढ़िया मिलेगी। तो दोस्तों, आज एक आपको जो ये वीडियो लाया हूँ मैं आपके लिए, इसका मकसद ये है कि आपको पता लग जाए कि इस समय पर 350 सीसी की किस बाइक की कितनी डिमांड है, मतलब कौन सी बाइक कितनी ज़्यादा बिकी है। इससे आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि आपको, आप जो बाइक लेना चाह रहे हैं, क्या उसको लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट मैं डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत छोटी सी वीडियो है। एक रिक्वेस्ट छोटी सी, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो कर लें, और साथ ही साथ जो हमारा ब्लू डाटा ग्रुप है टेलीग्राम पर, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन भी कर लें। दोस्तों देखिए, मैं बारी बारी शुरू करता हूँ, और लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको जावा, यजदी और होंडा हाइनस, इनकी भी बताऊंगा क्या स्थिति इस समय बाजार में चल रही है। सबसे पहले रॉयल एनफील्ड की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक तरीके से मार्केट पर कब्जा जो है रॉयल एनफील्ड का बना हुआ है आज भी। और मैं शुरुआत करता हूँ 8वें नंबर की पोजीशन पर। तो दोस्तों, सभी मॉडल्स में से सुपर मीटियोर, जो कि अभी कुछ समय पहले ही लॉन्च हुई थी, मुश्किल से 2 महीने हुए होंगे, और इसकी जो है 1139 1139 यूनिट्स जो हैं सोल्ड हुई हैं टोटल अभी लेटेस्ट अप्रैल के महीने में। और मैं कहूंगा कि 650 सीसी के हिसाब से काफ़ी अच्छी इसकी सेल चल रही है, क्योंकि जो इसकी कीमत है 4.5-5 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाती है। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी इसकी वैल्यू बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों, जो 7th पोजीशन पर बाइक आती है वो आती है 650 ट्विन, जैसे कि आपकी इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल GT। इनकी जो टोटल यूनिट सोल्ड हुई है वो हुई है 1865 यूनिट्स, और ये भी काफ़ी महंगी बाइक पड़ती है, 4-4.5 लाख रुपए की रेंज तक ये पहुंच जाती है। तो उसको देखते हुए काफ़ी सारे लोग इसको ले रहे हैं, क्योंकि बड़ा इंजन है, महंगी बाइक है, तो जो इनकी यूनिट्स है कम ही सोल्ड होती हैं। इसके बाद दोस्तों, जो 6th पोजीशन पर बाइक आई है वो है हिमालयन। हिमालयन की दोस्तों टोटल अप्रैल में 3521 यूनिट्स जो है सोल्ड हुई हैं, और 400 सीसी का इंजन आता है इसमें। कीमत जो है इसकी लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास की बैठती है, जो शुरुआती कीमत है, और 2,80,000 रुपये तक इसकी कीमत चली जाती है। तो हिमालयन अगर आपको पसंद है, तो मैंने आपको बता दिया कितना लोग उसको खरीद रहे हैं, कितनी डिमांड उसकी मार्केट में बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों, जो सीरीज आनी शुरू होती है वो आती है रेगुलर सीरीज, मतलब 350 सीसी वाली सीरीज। अब यहाँ पर जो है रॉयल एनफील्ड की लगभग 80% सेल जो है, बल्कि 85% 85% सेल जो है सिर्फ इन्हीं मॉडल्स में हो जाती है। तो 5th पोजीशन पर आती है बुलेट 350 ES, जिसको आप इलेक्ट्रा भी बोलते हैं, कई सारे लोग बोलते हैं। 3779 यूनिट्स इसकी सोल्ड हुई हैं, लगभग 2,10,000 रुपये की, 2,10,000 रुपीज़ की ये ऑन रोड अभी पड़ रही है लगभग। इसके बाद दोस्तों, 4th नंबर पर आती है हमारी मीटियोर 350। काफ़ी ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है, और अगर आप टूरिंग का शौक रखते हैं बाइक से, तो ये बाइक आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। 7,598 यूनिट्स जो हैं इस बाइक की सोल्ड हुई हैं, मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया फिगर है, बहुत ही बढ़िया यूनिट जो हैं इस बाइक की सोल्ड हुई हैं। इसके बाद दोस्तों, जो आपकी और मेरी भी आज तक भी सबसे ज़्यादा पसंदीदा बाइक रही है, बुलेट 350। रॉयल एनफील्ड की एक इमोशनल बाइक, जिसके साथ लोगों के इमोशन जुड़े हुए हैं, इसके 8,399 यूनिट सोल्ड हुए हैं। और यही कारण है कि अभी तक भी रॉयल एनफील्ड जो बुलेट 350 नेक्स्ट जनरेशन है वो लॉन्च नहीं कर पाया, क्योंकि इतनी डिमांड है इस बाइक की। लगभग 1,90,000 रुपीज़ से 2 लाख रुपीज़ के आसपास की बाइक ऑन रोड जाकर पड़ रही है, कीमत बढ़ती जा रही है। अभी हाल फिलहाल में कीमत बढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की जो मोहब्बत है वो कम नहीं हो रहा इसके लिए दोस्तों। इसके बाद जो है 2nd नंबर पे अगर मैं बात करूँ, तो मेरे पास भी ये मॉडल है, आप समझ गए होंगे, ये है हंटर 350, जिसने कि लगातार जब से लॉन्च हुई है 2nd पोजीशन बना के रखी हुई है। एक नई बाइक के लिए 2nd पोजीशन बनाना बहुत बड़ी बात होती है। 15,799 लगभग 16,000 यूनिट जो हैं इसकी बिक चुकी हैं अप्रैल 2023 में,
और मैं कहूँगा कि हंटर 350 के लिए ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप हंटर 350 ले सकते हैं तो बिल्कुल बेफिक्र होकर ले लो, क्योंकि डिमांड इसकी बढ़िया है, इन फिगर्स से पता लग रहा है ये बात। दोस्तों इसके बाद नंबर एंड पोजीशन और आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, क्लासिक 350 जिसकी कि सेल में गिरावट जरूर आई है। पहले 35-36,000 यूनिट्स बिक जाती थी, लेकिन अब 26,781 यूनिट्स जो है इसकी सोल्ड हुई है। मैं कहूँगा नंबर फिगर्स बहुत बढ़िया है, गिरावट जरूर आई है, लेकिन आज भी किंग है रॉयल एनफील्ड का, और सबसे ज़्यादा यूनिट्स जो है क्लासिक 350 की बिकी है। दोस्तों अब आपके लिए एक बोनस जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, CB350 होंडा हाइनेस अगर आप लेना चाहते हैं, या जावा SD कोई बाइक लेना चाहते हैं, तो उनकी मैं डिटेल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप कह सकते हैं कि अच्छी खासी यूनिट जो है CB350 या होंडा हाइनेस ने काफ़ी अपनी सोल्ड करी है। CB350 की अगर मैं बात करूँ तो 3013 यूनिट्स, 3013 यूनिट्स जो हैं सोल्ड हुई हैं। मैं कहूँगा बहुत अच्छा नंबर है, लगभग 2,40,000 रुपये के आसपास की कीमत में ही पड़ती है बाइक, और जो फीचर्स हैं बाइक के, जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच है, गजब की क्वालिटी है। आप जरूर देखिएगा, अगर लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो जावा और SD की अगर मैं बात करूँ, कंबाइंड में यूनिट्स बता रहा हूँ, क्योंकि ओपन करके जावा SD कभी नहीं बताता, तो 2,274 यूनिट्स जो हैं इसकी सोल्ड हुई हैं। तो दोस्तों ये जो है मैं कहूँगा कि ठीक ठाक फिगर है, और बहुत अच्छे फिगर्स तो मैं इसको नहीं कह सकता। तो ये ओवरऑल एक पूरा वो था, इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि किस मॉडल की कीमत, मॉडल की डिमांड जो है कितनी है, कितना लोग किस मॉडल को पसंद कर रहे हैं। और आप भी अगर उन लोगों में से हैं या सोचते हैं कि भाई कल को अगर अपनी बाइक को बेचना पड़ जाए तो बढ़िया डिमांड उसकी होनी चाहिए, बढ़िया रीसेल वैल्यू उसकी मिलनी चाहिए, तो ये जो मैंने आपको पूरी डाटा बताया है इससे आपकी ये सोल्यूशन बात जो है आपकी क्लियर हो गई होगी। आज की वीडियो में इतना ही था, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देगा। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, टेक केयर।